मुर्दाबाद, सेना आजादी मुर्दाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। फ्रीडम पे लानत हो, फ्रीडम पे लानत हो, बेशुमार बेशुमार फ्रीडम पे लानत हो, बेशुमार समझाएं क्या मसला है। इधर जाओ यार, उधर जाओ, सब लोग हैं इधर सारे, ऊपर पीछे तक खड़े। लेकिन अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर, और इनके मकरू चेहरे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि इन्होंने हर अदारे को पामाल किया है, हर एक किसी की इज्जत यहाँ पे महफूज नहीं है। अच्छा मैडम बताइएगा कि माजी में तो क्या आवाम का रिएक्शन आएगा, क्या आपको समझ में आया? लेकिन जब गिरफ्तार करेंगे तो सिर्फ आवाम का नहीं पूरी दुनिया का रिएक्शन आएगा। IMF के ये गोडे रगड़ चुके हैं, मिनते तरले कर रहे हैं। पहले ये कहते थे इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, कशकोल लेके जाता है, अब खुद क्या कर रहे हैं? IMF तो उनको घास ही नहीं डाल रही। IMF को तो इन चोरों का पता है, IMF को क्या पूरी दुनिया को इन चोरों का पता है, कोई इनको एक रुपया देने पे तैयार नहीं है। सो ये इमरान खान जब तक नहीं कहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से जिसके सर पे अल्लाह का हाथ होता है ना, वो पूरी दुनिया से टक्कर उसने ले ली है। सो इनको मुँह की जलालत ही इनको नसीब में होगी। अच्छा मैडम बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान माजी में जो है बड़े दीन के दावे करते रहे हैं और आप लोगों को ही वो बड़े गलत अलकाब तितरियां वगैरह कहते रहे, आज जब दीन की बात आई तो वो गायब नजर आ रहे हैं। देखिए उनको तो मौलाना कहना ही इस लफ्ज़ की बेहुर्मती है। अगर कुरान और सुन्नत और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती हो और आज उनका कोई भी कारिंदा, कोई भी उनका जमा मदरसे का तालिब इल्म हमें आपको नजर आया यहाँ पे, कौन मौजूद है जिनको आप डिफरेंट अलकाबात देते रहे कि ये जी औरतें ऐसी हैं तो वैसी हैं? क्यामत वाले दिन एटलीस्ट मैं तो ये कह सकी थी कि मुझे किसी मौलाना शुलाना का इंतजार नहीं करना, मेरे दीन पे बात हुई है, मेरे कुरान की बेहुर्मती हुई है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती हुई है, जिसके लिए मैं जान भी कुर्बान करने पे तैयार हूँ।
जिसके लिए हमने ये आजाद मुल्क लिया। सो इन ये मौलाना का लफ्ज मत इनके लिए इस्तेमाल करें, ये जाली लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए, कुर्सी के लिए, अपनी औलाद को लाने के लिए और पाकिस्तान में लूट खसूट का बाजार जो गर्म किए हुए उसके लिए ये है। और ये कहते हैं जो बाहर जो एंटी इस्लाम फोर्सेस हैं ये उनके आलाकार हैं, ये तो ना पाकिस्तानी है ना अच्छे मुसलमान हैं। मैं समझती हूँ कि वो लोग हुकूमत में हैं और हुकूमती सतह पर ये वाक़ा हुआ है तो उनको भी हुकूमती सतह पर ही इस जो वाक़ा हुआ है उसकी जवाब देना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, क्या इमरान खान को आप वापस आता हुआ देख रही हैं या नहीं? इंशाल्लाह देखें, मोमन कभी भी मायूस नहीं होता, हम लोग मायूस नहीं हैं, लेकिन खान साहब की ज़िंदगी के लिए बहुत दुआएँ करते हैं क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ एक खान